उठेगा। शार्क्स, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब डर की वजह से आपके हाथ पैर ठंडे पड़ जाए? बस मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था जब 21 साल की उम्र में मैं अकेले एक स्टील जार में हॉट चॉकलेट लेकर गुड़गांव के काफी बिजी मेट्रो स्टेशन के बाहर अपने आइडिया को टेस्ट करने पहुंच गई। वहां से निकलने वाले लोग मुझे काफी जिज्ञासा में देखते हुए जा रहे थे कि ये लड़कियां रास्ते पे कर क्या रही है। मैं नर्वस थी, बट देखते ही देखते मेरे आसपास लोग इकट्ठा हो गए और कुछ 40 से 50 मिनट में मेरी चॉकलेट ड्रिंक बिक गई और यहाँ से मेरे फेस पे गिगल के साथ टिगल की शुरुआत होती है। नमस्ते, मेरा नाम अनुवा कक्कर है और चॉकलेट की इस रोमांचक दुनिया में मैं आपका स्वागत करती हूँ। इंडिया में चॉकलेट का मार्केट 20,000 करोड़ का है और उसमें कितने इनोवेशन हुए ना, चॉकलेट बार्स, चॉकलेट ट्रफल्स, चॉकलेट चिक्की, अलग अलग फ्लेवर्स में, अलग अलग पैकेजिंग में। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि इंडियन कैफेज में जो 4 बेस्ट सेलिंग ड्रिंक्स होती हैं, उसमें से एक का नाम होता है हॉट चॉकलेट। Absolutely. और इस सेगमेंट को कभी किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं किया। तो बस फिर क्या था, मैंने अपने एंटरप्रेन्योरशिप के कीड़े को अपने चॉकलेट के प्यार से मिलवाया और 2021 में टिगल को लॉन्च किया। टिगल में आपको मिलेंगे इंडिया के फाइनली रोस्टेड कोको से बने रेडी टू मेक चॉकलेट मिक्सेस। दिल्ली की सर्दी हो तो हमारी हीरो प्रोडक्ट डार्क हॉट चॉकलेट है और मुंबई की गर्मी में आइस चॉकलेट। हर मौसम के लिए हमारे पास तरह तरह की चॉकलेट ड्रिंक्स अवेलेबल है। मैंने कुछ 20,000 रुपए से और घर के एक छोटे से कमरे से टिगल की शुरुआत की थी। कुछ 7 से 8 महीने में उस कमरे की वॉल्स का रंग चॉकलेट ब्राउन हो गया तो हमने एक फैक्ट्री ओपन करी और आज तक हम 37,000 कस्टमर्स तक पहुंच चुके हैं अपनी वेबसाइट एंड अमेज़न के थ्रू। मैं चाहती हूँ कि टिगल हर एक इंडियन हाउसहोल्ड का फेवरेट चॉकलेट ड्रिंक बने और इसके लिए आज मेरी आस्क है 50 लाख फॉर 5% इक्विटी। Amazing, great, अच्छी पिच और एकदम ब्रांड थीम में आए हो आप अपने। Thank you. तो ये चॉकलेट की रुचि आपकी शुरू से रही है? मैं आपको अपनी पूरी कहानी बताऊंगी, लेकिन हॉट चॉकलेट कोल्ड बन जाए उससे पहले तो आपको पहले दे दीजिए आप। बिल्कुल। डेरी फ्री कौन से? सारे वीगन एंड डेरी फ्री हैं। थैंक यू। वेलकम। आपका नाम अनुवा? अनुवा मींस नॉलेज। ओह नाइस। ये हॉट है और ये कोल्ड है। वेरी टेस्टी। इट इज वेरी गुड। रियली गुड। चलिए आपसे चालू करते हैं। मेरे ख्याल से आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। तो आप कितना डिटेल में जानना चाहते हैं? संक्षिप्त में। ठीक है, मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ। 2019 में मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ। मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा कॉलेज के दिनों में ही काट गया था, तो मैंने एक दो चीज़ें करी बट वो बहुत प्रोजेक्ट लेवल पे थी, तो वो मेरा ट्रिगर रहा था टिगल के पीछे भी। अगस्त सितंबर ऑफ 2020 से मैंने इस पे ऊपर काम करना शुरू किया। कुछ 50 से भी ज़्यादा साउथ इंडियन कोको फार्म से मैंने कोको टेस्ट किया और 2021 में फाइनली हमने टिगल को D2C स्पेस में लॉन्च किया। ये टिगल नाम क्यों? टिगल आप गेस कर सकते हो अनुपम? गिगल, गिगल से टिगल आया। टिगल, यू आर राइट। टिगल प्लस गिगल इक्वल्स टू टिगल। वाइब्रेंट। गुड नेम। आपको इसकी वेबसाइट मिली? हां, मुझे thetigal.com। स्टिल नॉट बैड, स्टिल नॉट बैड। ये बच्चों के लिए टारगेटेड नहीं है? तो बहुत अच्छी ड्रिंक है बच्चों के लिए। ये बच्चों के लिए अभी हम टारगेट नहीं कर रहे। आपको नहीं लगता है कि आप गलती कर रही है? बिकॉज आप सोचिए, ये जो यंगस्टर्स है, लॉट ऑफ देम आर वेट कॉन्शियस। सेकंडली, कॉफी कल्चर इनमें बहुत बड़ा है, तो आपको नहीं लगता कि इसका टारगेट ऑडियंस शुड बी किड्स? ऐसा हो सकता है कि हमारा जो कंजम्पशन है वो बच्चों में ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे जैसे हैं जो कॉफी पीते हैं तो उनको जिटर्स आ जाती है और टी उनको अपील नहीं करती। अनुवा, अपने खुद के अनुभव से मार्केट नहीं बनता। अगर मार्केट बड़ा आपको शुरू में बच्चों में दिख रहा है, हाँ, और रेजिस्टेंस वहाँ कम आएगा, तो वहाँ से शुरू करना चाहिए ना। Why start with a difficult market? ऐसा नहीं है कि बड़े लोग चॉकलेट ड्रिंक नहीं पीते। ग्लोबली चॉकलेट ड्रिंक को जिस तरीके से आप कॉफी को देख रहे हो ना, आप मुझे बताइए, क्या एक डेकेड पहले या दो डेकेड पहले आपने सोचा था कि इंडिया में कॉफी टी के बराबरी कर पाएगा? कितना बड़ा मार्केट है हॉट चॉकलेट का फॉर नॉन किड्स? ग्लोबली 10 से 15%
चॉकलेट ड्रिंक का मार्केट है व्हेन यू सी फ्रॉम चॉकलेट का मार्केट. तो हमारे देश में चॉकलेट का मार्केट है 20,000 करोड़ का, जो कि मेरे को बोलता है कि 2,000 से 3,000 करोड़ मेरा चॉकलेट ड्रिंक्स का मार्केट है. उसमें आपने ये बोर्नविटा वगैरह मिला लिया, अगर उसको हटा दे प्योर हॉट चॉकलेट का मार्केट इतना बड़ा नहीं होगा. या इट्स नॉट सो बिग. और इसमें कोई कंपटीशन है तो आप बता दो कि ये ब्रांड है अभी सबसे बड़ा और इसका इतना बड़ा बिजनेस है, तो आइडिया लग जाएगा हमारा. अगर आप मास लेवल पे देखोगे तो कंपटीशन कैडबरी जैसी कंपनीज के साथ दिया, हर्षी. इनका सेल का आइडिया बताएंगे थोड़ा कितना है? 35 से 40 करोड़ बेचते हैं अमेज़न पे. कैडबरी का सेल सिर्फ 35 करोड़ का ये सालाना दिन का, केवल अमेज़न पे, केवल अमेज़न. अच्छा, इसके अलावा पिछले 2 साल में कुछ 3 से 5 कंपनीज आर्टिसन थे भी है ना. एग्जैक्टली योर पॉइंट. इसकी जो प्राइसिंग है, आपका वन सर्विंग इज कॉस्टिंग मी 55 बक्स. दैट इज माय हाईएस्ट प्राइस प्रोडक्ट. ये 35 रुपए का पड़ रहा है. हाँ. मैं कैडबरी से बनाऊं खुद घर पे तो कितने का पड़ेगा? 18-19 रुपीस. तो ये थोड़ा महंगा है मतलब उससे. हाँ जी. एंड हाउ बिग इज इट नाउ? इस साल हम 1.5 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू सिर्फ इसी साल में क्रॉस करेंगे. लास्ट मंथ कितना था? लास्ट मंथ हमने 12 लाख का रेवेन्यू किया. मैं आपको पूरा बता दूं, इकोनॉमिक्स ही समझाई दो. हां राइट. तो इस फिस्कल ईयर से स्टार्ट करते हैं. अप्रैल 5.9 लाख, मई 6.5 लाख, जून 8.9 लाख, जुलाई 11 लाख, अगस्त 12.6 एंड सितंबर 12 लाख. प्रॉफिट वगैरह मार्जिन इकोनॉमिक्स ही समझाई दो पूरी आप. यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं. मैं एवरेज अक्रॉस ऑल. आप एकदम प्रिपेयर होके आए हो, बट ठीक है. जो थोड़ा है वो प्रॉफिट बता दीजिए आप कितना अभी आ रहा है. यूनिट इकोनॉमिक्स में एवरेज अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट्स. ठीक है. 308 रुपए में मैं सेल करती हूँ इसको. जीएसटी के साथ की बिना? जीएसटी के बिना. 18% जीएसटी के बिना 308 में मेरा सेलिंग प्राइस है. मेरा जो बनाने का कॉस्ट लगता है, जो मेरा कॉक्स है, वो है 74, जिसमें से 10 रुपए मेरी पैकेजिंग है, 64 रुपीज मेरी बाकी के रॉ मटेरियल. 75% मार्जिन बेसिकली. करेक्ट. आप उसमें शिपिंग भी लगा लो 32 की, तो भी 65% ग्रॉस मार्जिन. बहुत सही. ठीक है, थोड़ा और नीचे आते हैं. इसके बाद मेरे जो खर्चे होते हैं, बिल्कुल 109 रुपया मेरा अभी लगता है मेरी मार्केटिंग पे. 43 रुपीज मेरे अभी लग रहे हैं प्रोफेशनल सैलरीज में. 4 रुपए मेरे रेंट पे लगते हैं और 27 रुपीज मेरे लगते हैं अदर्स में, जिसमें सॉफ्टवेयर एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस आ जाता है. एंड अल्टीमेटली इवेंचुअली मेरे पास 19 रुपया बचता है, जो कि मेरा नेट हो गया. इसमें भी बचा लेती हो तुम पैसे. हाँ जी, हम प्रॉफिटेबल कंपनी है और हम बूटस्ट्रैप कंपनी है. तो 7% एबिटा है अभी. 6.02% हमारी कंपनी का जो कल्चर है वो बहुत सॉलिड है कि नंबर्स पता होने चाहिए. ऑब्वियसली बात है. कितने लोग है कंपनी में? 9 लोग. ये कल्चर की बात आपने कहाँ से टेपी है बॉस? अभी 9 लोगों की कंपनी में कल्चर की कौन बात करता है? क्यों नहीं सर, असली तो कल्चर एक इंसान से ही बनता है. तो पिछले मंथ जैसे आपने सेल किया 12 लाख का, कितने कस्टमर्स थे पिछले? हमारे 3050 कस्टमर्स थे. इन 3500 कस्टमर्स में कितने कस्टमर्स थे जो पहले थे आपके पास? 24 से 25% मेरे पुराने कस्टमर्स से आता है. तो आपके एक न्यू यूजर को एक्वायर करने का कितना कॉस्ट है और एक रिपीट यूजर को यूसेज कराने का कितना कॉस्ट है? ये दोनों सेपरेट करके बता पाएंगे आप? मैं आपको आज नहीं बता पाऊंगी, बट मैं डेफिनेटली आपको बता सकती हूँ. मैं कोई नंबर ऐसा गलत अभी आपको नहीं बताना चाहूंगी. Why should I buy your hot chocolate? इतने competitive market में आप क्यों win करेंगी? बिल्कुल. तो अब ना थोड़ा सा USP का भी बात कर लेते हैं. है ना? हमने एक बहुत interesting experiment किया था, जो आपको मजा आएगा सुनके. तो हमारा ना एक community है, मैंने उनको A, B, C 3 samples भेजे. मैंने उसमें बस इतना किया था, A और B मेरा खुद का जैगरी हॉट चॉकलेट था और C एक और दूसरा ब्रांड का था. मेन जो पर्पस था वो ये जवाब था कि हमारा A वाला फॉर्मुलेशन जैगरी हॉट चॉकलेट का बेटर है या B वाले का. हाउएवर पीपल सेलेक्टेड फ्रॉम A और B ओनली. तो क्या आप कहेंगे कि जितने भी हॉट चॉकलेट ब्रांड्स हैं इंडिया में, अगर एक ब्लाइंड टेस्टिंग करा ले तो टेगल आपको अच्छा लगेगा? हाउ ओल्ड आर यू? आई टर्न 25. या यू आर अमेजिंग. वेरी स्मार्ट. आई मस्ट टेल यू, आप अडैप्टेबल हैं, आप ओपन टू चेंज हैं, जो आपको नहीं पता आप बोल देती हैं क्लियरली. मतलब यू हैव ऑल द क्वालिटीज, यू विल बी अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर. क्लैरिटी, थैंक यू सो मच. यू डू वेरी वेल इन लाइफ. यंग एज ऑफ कल्चर की बात कर रहे हैं. हॉट चॉकलेट बनाए ना बनाए, आप कुछ बड़ा जरूर बनाएंगे. थैंक यू सो मच. तो फर्स्टली मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगी एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर. क्या क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड क्या एक फोकस्ड वे ऑफ टॉकिंग है. लव्ड इट. पर जेन्युइनली आई फील कि इंडिया में इसका मार्केट छोटा है
ये आपका जो ब्रांड है बियॉन्ड पॉइंट स्केल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. फॉर दैट रीजन आई एम आउट. अच्छा अनुवा, मैं इस बिजनेस से आउट रहना चाहूंगा. यू आर वेरी गुड, बट एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जितना इंपॉर्टेंट होता है, मार्केट उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, प्रोडक्ट उतना ही इंपॉर्टेंट होता है. पिछले महीने आपने बताया 37,000 में से सिर्फ 800 लोग पिछले महीने आए, मतलब सिर्फ 2% लोग. तो मुझे जो आपका बिजनेस दिख रहा है ना, कि आपका एक बंदा आ रहा है, प्रोडक्ट यूज कर रहा है और भूल जा रहा है, तो मुझे वहां दिख रहा है ब्रांड शायद हमारा नहीं बन पा रहा है ब्रॉडली. तो एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए शायद आना सेंस नहीं बना. देखो अनुभव, आपका जो बिजनेस है उसका कितना स्केल बैठेगा वो समझ में नहीं आ रहा मेरे को. कितना बड़ा मार्केट है वो भी आज क्लियरली हम लोग डिटरमिन नहीं कर पाए. पर मेरे को, मगर मैंने इस शो पे आके आपके जैसे एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट नहीं किया तो मेरे यहाँ आने का फायदा ही नहीं, क्योंकि पहले बंदा फिर धंधा. तो मैं आपको ऑफर देता हूँ. थैंक यू सो मच अम्मा. 20 लाख इन इक्विटी फॉर 5%. आई एम वैल्यूइंग द कंपनी एट 4 करोड़ एंड 30 लाख इन डेट फॉर 15% इंटरेस्ट ओवर 3 इयर्स. ओके, थैंक यू सो मच अमित फॉर द ऑफर. मैं एक बार अनुपम और पीयूष का भी अनुभव आपने बनाया डिसीजन. हाँ यार, आई एम वेरी हैप्पी यू गॉट एन ऑफर. मुझे ये लगा आपकी अडल्टिंग जर्नी अगले एक साल की है. Okay. उस पार आप निकलेंगी एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर. मुझे लगता है वो संघर्ष आपका है, आपको तय करना चाहिए. आपके पास एक ऑफर है, मैं आज आउट हूँ, बट एनी टाइम आई कैन हेल्प यू आई विल बी देयर. गुड लक. थैंक यू सो मच अनुपम. अभी आप ओनर है 100% इक्विटी. आई ओन 96%. 1% इज विद माय मॉम, क्योंकि वो फैक्ट्री उस फेस को पूरा लीड कर रही है, और 3% हमारे एडवाइजरी शेयर्स है. देखो यार, यू आर एन एस एंटरप्रेन्योर आई वुड से. दिल चाहता है कि मैं आपके साथ पार्टनर करूं, पर पास्ट एक्सपीरियंस से कह रहे हैं कि यार फिर से गलती मत करो. डेट का तो सवाल ही नहीं उठता आपके साथ. तो मेरा ऑफर होगा आपको 50 लाख स्ट्रेट इक्विटी, बट आई विल टेक 20% ऑफ द इक्विटी मिनिमम, राइट, नॉन नेगोशिएबल. प्लस 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 आई वुड वॉन्ट टू टेक एटलीस्ट 1% ऑफ नेट सेल्स टिल आई रिकूप 2x ऑफ माई मनी. Royalty. Okay. So, अभी तो आपकी 1.5 करोड़ सेल है, तो इस साल मुझे 1.5 लाख रुपए आएगा. Correct. And I'm also okay, Amit, if you join me in this offer, because you know it's a high risk offer. आप मुझे mentorship करोगे? Of course. Chal, we'll join. So you have only one offer, one offer right now. 50 lakh, 20%, 1% sales. We will keep it as 2%. So 2% sales till we get 1 crore back. Right. The final offer अभी 50 lakh, 20%. आपकी जितनी भी सेल होगी उसका 2% हमें आएगा जब तक हमारे 1 करोड़ नहीं आए. देखो, मैं आपका रिस्क समझ रही हूँ और मैं आपका थॉट प्रोसेस भी समझी, लेकिन अगर आप मेरे से 2% टिल यू डबल डाउन लोगे तो मेरा टॉप लाइन से जा रहा है. सपोज आपने 10 करोड़ किया अगले साल, 2% कितना होता है 10 करोड़ का? 20 लाख. 20 लाख आपने हमें 20 लाख दे दिए, हमारे पैसे तब भी वापस नहीं आए. You know what I'm saying? सालों लगेंगे. But that's fine. आपके 2% royalty को हटा दो. अनुभव सुन, likely scenario है कि 15-20 करोड़ का धंधा रह जाएगा, और फिर कोई acquire भी नहीं करेगा, investment का return आना possible है. अगर आपका profit नहीं हो तो आप हमें मत देना हो. Royalty तभी है जब आपका profit हो रहा हो. हाँ. Obviously. आप royalty ले लोगे तो फिर. हाँ जी. That's a problem actually. That's the problem. अगर आप royalty ले रहे हो 2% का, तो आप क्या equity पे थोड़ा कम जा सकते हो, जिससे कि आपको तो अपना मनी मिल रहा है, बट कोई बात नहीं. जस्ट वन थिंग, 15-20 की बजाय 50 कर ले. पीयूष तो यार, यू कैन डू द डील. अनुवा, टाइम टू मेक अ डिसीजन माय फ्रेंड. यस और नो, एंड वी आर फाइन, एंड आई विल विश यू द ऑल द बेस्ट. आई नीड जस्ट 10 सेकंड्स. स्टैंड योर ग्राउंड. गुड. अच्छा, बिग डिसीजन. एंड आई एम सॉरी आई हैव टू बी सो टफ विद यू. No, that's good training. I love the entrepreneur. Piyush, please, aap 15% pe karo aur usko close karte. And I'm not in, sorry. I can't have less than 10%. I think, Anuva, you got to make a decision, my friend. Okay, let's make a deal. Okay, perfect. Good decision. But I'm so glad you took a decision. Let's make a big company out of Tiggle. Let's, thank you so let's much. Let's make Tiggle big. Thank you so much. All the best. Bye-bye.
जमाना था जब इंडिया में सब डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता था, पर अब सबको एक ही चीज बनना है, इन्फ्लुएंसर। लेकिन सबके पास इन्फ्लुएंसर जितने फॉलोअर्स थोड़ी होते हैं, फिर भी सबको सोशल मीडिया पे फोटोज डालना बहुत पसंद है। जरूर आपके भी ऐसे कोई दोस्त होंगे जो जब तक 1000 फोटो लेके इंस्टाग्राम पे नहीं डाले, तब तक उनका ना खाना हजम होता है और ना ही उनके कपड़ों का शगुन पूरा होता है। पर ये सब करके मिलता क्या है इनको? पैसे तो नहीं मिलते हैं अब तक। और इसके लिए हम लेकर आए हैं एक इन्फ्लुएंसर लाइफ जीने की आपकी वाइल्ड कार्ड एंट्री, एक ऐसा कार्ड जो आपको उन फोटोज के पैसे देंगे। हाय शार्क्स, मेरा नाम है दशांत। मैं हूँ रिज। और मैं हूँ यश। हम तीनों आए हैं मुंबई से एंड हम हैं फाउंडर्स ऑफ वाइल्ड, दुनिया का सबसे पहला सोशल करेंसी पावर्ड पेमेंट्स कार्ड। वाइल्ड एक वीजा पावर्ड पेमेंट्स कार्ड है जो इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोअर्स से ज्यादा वाले यूजर्स को अपने पोस्ट से पैसे कमाने का मौका देता है। बट कैसे? वेरी सिंपल। पहले आप हमारे वेबसाइट getwild.in पे जाके अप्लाई करें। अप्रूवल के बाद जब कार्ड आपके हाथ में आ जाएंगे, आप हमारे पार्टनर ब्रांड्स पे जाके शॉप करें या अपने पार्टनर ब्रांड रेस्टोरेंट्स पे खाना खाएं। खाना या नए कपड़ों में 500 फोटोज लेने की आदत तो आपका है ही, उनमें से एक फोटो आप इंस्टाग्राम पे डाल दो और जिस ब्रांड से खरीदा है उसको टैग करो। बस वो करते ही हम आपको 30-100% तक का कैशबैक आपको वापस कार्ड में दे देंगे। ये कैशबैक आप कहां भी, कैसे भी, कहीं भी आप यूज कर सकते हो। शार्क्स वाइल्ड की शुरुआत हुई थी जुलाई 2023 में और अब तक हमारे यूजर्स ने 1500 कंटेंट पीसेस बनाए हैं जिसपे 40 लाख से भी अधिक की रीच है। हमारा विजन है इंडिया के सारे सोशल मीडिया यूजर्स को अपने इन्फ्लुएंस द्वारा बेनिफिट्स और पैसे कमाकर अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने का मौका देना। तो इसलिए शार्क्स आज हमारी आस्क है 1 इंस्टाग्राम पोस्ट प्लस 50 लाख फॉर 0.5% इक्विटी। वाओ वाओ, लेट्स गो शार्क्स, लेट्स डू समथिंग वाइल्ड। भाई कितनी 100 करोड़ की वैल्यूएशन होगी? 100 करोड़। और आपने जुलाई 2023 में शुरू किया है, दो महीने पहले। 33 करोड़ पर मंथ। I would like to give you all the cards, to you all in personalized cards. Anupam, this is yours first. Which one? This one? Yeah, yeah. Thank you, bro. Azhar, thank this you, is yours. Card अच्छा है, personalized है, और नीचे founder member लिखा हुआ है. मोबाइल ऐप के थ्रू प्राइमरली होता है। एक बार जब साइन अप हो जाता है आपको, आपका वर्चुअल कार्ड ऐप पे डिस्प्ले हो जाता है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या कुछ भी कर सकते हो। ये एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट कार्ड है तो इट वर्क्स लाइक योर डेबिट कार्ड, पर आपको आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है। आपको इसमें पैसे ऐड करने पड़ते हैं और आप जितना पैसा मनी ऐड करोगे, इसमें लोड करोगे, आप उतना यूज कर सकते हो। एंड इधर हमारे ब्रांड सेक्शन पे हमारे पास अराउंड 200 प्लस पार्टनर ब्रांड्स है। ये लोगो थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। ये ये किसका पार्टनर? हम ऑलरेडी पार्टनर है आपके साथ। तो इधर बाय नाउ क्लिक करके आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हो, या आपके जो भी ऑफलाइन स्टोर्स भी होते हैं उधर भी जाके यूजर ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो इधर आपको जैसे दिख रहा है, रिच को पोस्ट पे 60% कैशबैक मिल रहा है और स्टोरी डालने पे 30% कैशबैक मिलेगा विद दीज लिमिट्स। मेरे को इस कार्ड से लेंस कार्ड स्टोर पे स्पेंड करना पड़ेगा? करेक्ट। तो सपोज कोई लेंस कार्ड स्टोर पे गया, उसने कुछ शॉपिंग करी, लेट्स अज्यूम 5000 रुपए की शॉपिंग करी, तो 5000 रुपए की शॉपिंग करके उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो, कुछ हैशटैग करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा? नहीं, लेंस कार्ड को टैग करते हैं और वाइल्ड को टैग करते हैं। लेंस कार्ड और वाइल्ड को वो टैग करेगा तो इस कार्ड के अंदर उतने पैसे आ जाएंगे। एक डेमो, हाँ। तो जैसे अभी हम लोग एक इसमें ट्रांजैक्शन करेंगे। I just paid 1000 rupees from this card. इधर आपको ये 1000 रुपीज का ट्रांजैक्शन आपके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में दिख जाता है। आप इंस्टाग्राम पे गए, आपने कोई पोस्ट डाला, आपने लेंस कार्ड और गेट वाइल्ड को टैग किया, आपका प्रोडक्ट दिखाते हुए। प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा? करेक्ट करेक्ट। आप कस्टमर्स को मार्केटियर बना रहे हैं। आई थिंक बेस्ट पोजीशनिंग है वो, कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत नेचुरल है वो।
एक चीज और क्लैरिफाई कीजिएगा, अभी जो आपने 60% का जो कैशबैक मिल रहा है, ये अभी एट द मोमेंट ब्रांड सारा बियर कर रहा है या स्टार्टिंग के लिए आप लोग ये दे रहे हैं? ब्रांड्स बियर कर रहे हैं, ब्रांड बियर कर रहे हैं। तो जैसे अभी मैं अगर रिफ्रेश करूं तो आप देखेंगे मेरी बैकएंड टीम ने ऑब्वियसली अभी तुरंत अप्रूव कर दिया है, तो यू कैन सी 600 का कैशबैक इसी कार्ड में वापस आ गया। इसमें आपको 600 वापस मिल गए। अरे 600 मैंने आपको दिए। कमाल है यार, वापस लो भाई पैसे। नहीं, आपने हमको नहीं दिए, आपने अपने कस्टमर को दिए, क्योंकि वो कस्टमर आपके लिए मार्केटिंग। और ये 600 से वो कहां-कहां शॉपिंग कर सकते हैं? कहीं भी, आप कहीं पे भी कर सकते हो। वीजा पावर्ड कार्ड पर इसमें ब्रांड से तो पैसा लेट आएगा आपको, तो आपका वर्किंग कैपिटल लगा हुआ इस टाइम पे। So we ask our brands कि आप जैसे डिजिटल मार्केटिंग के लिए बजट डालते हो, यू साइन अ बजट जो आपको कंफर्टेबल लगे, तो पैसे आपको पहले मिलते हैं। हाँ, वर्किंग कैपिटल इश्यू सॉल्व हो गया और आपका 60% एंड 30% कैशबैक, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। दीज द ओनली टू स्लैब्स? सेकंड क्वेश्चन के ये कौन डिसाइड करता है? सो बेसिकली आप कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपका एक क्रेडिट स्कोर करके एक स्कोर होता है, राइट? सिमिलरली हम लोग ने एक बनाया है खुद का प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम कॉल्ड द वाइल्ड स्कोर, विच इज नथिंग बट योर सोशल स्कोर। तो ये आपके बेसिस ऑफ आपके फॉलोअर्स, आपके रीच एंड यू नो मेनी अदर पैरामीटर्स आपको एक स्कोर देता है। आवर एंटायर रेंज इज बिटवीन 0 to 1000, तो ओनली पीपल हैविंग ओवर 100 का वाइल्ड स्कोर गेट एक्सेस टू द ऐप। एंड द बेस्ट पार्ट, आपका अगर 900 टू 1000 का स्कोर है तो आपको 100% ऑन पोस्ट एंड 80% ऑन। लोग तो कहीं पे भी शॉपिंग कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, जो आपका कैशबैक नंबर है वो काफी अमेजिंग है, मतलब इतना हाई 15%। ये बताओ कि ब्रांड जो है वो मानेगी इतने सारे परसेंटेज की? तुमने एक स्टैंडर्ड बना दिया, हर ब्रांड बोलेगी मैं 700 के ऊपर इतना देना चाहता हूँ। भाई मेरा ब्रांड तो दे रहा है इनको, पता नहीं बना भी लिया इन्होंने, मेरे को पता भी नहीं है। पीयूष, आप पिच के एंड तक कन्विंस हो जाओगे। अभी तक अराउंड 40 लाख की हमारी जो रीच हुई है, राइट, हम लोग ने मार्केट रेट्स ट्राई किया कैलकुलेट करने का कि अगर ब्रांड को सिमिलर रीच चाहिए होती तो एक्चुअल में कितना कॉस्ट आता, एंड दैट इज क्लोज टू अराउंड 35-40 lakhs। दैट सेम थिंग हम लोग ने हमारे ब्रांच के लिए किया है 5 से 6 lakh में, नियरली 80% ऑफ सेविंग, राइट? बहुत बढ़िया, अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया। हमारे यूजर्स आर चेंजिंग देयर ब्रांड लॉयल्टी बिकॉज ऑफ दैट। आज तक मैं कॉम्पिटिटर ब्रांड से परचेस कर रहा था, आज मैं उसको छोड़ के नए ब्रांड से परचेस कर रहा हूं, उसके बारे में सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर रहा हूं। मैं चूंकि काफी कनेक्ट करता हूं बीइंग यंग, मतलब मेरे को ये दिखता है। ऑफर देंगे आज। मैं डेफिनेटली, एक सेकंड, बीइंग यंग मतलब आप बीइंग नहीं नहीं मैं बीइंग यंग मतलब मेहरबानी कर रहे हो आप भी बोलकर। व्हाट डू यू मीन बीइंग यंग? डोंट हैव एजिज्म इन योर। एनीवे, मैं इस प्रॉब्लम से काफी कनेक्ट करता हूँ कहीं ना कहीं, मुझे लगता है सोशल मीडिया का यूज मार्केटिंग के लिए बहुत सॉलिड तरीके से की जा सकती है। तो मैं थोड़े नंबर्स पे इसलिए मूव करना चाहूंगा। यूजर्स कितने अब तक हमारी? 500 एक्टिव यूजर्स है अभी लास्ट मंथ के, जो एक्टिव यूजर्स है। 500 यूजर्स ने कितने पैसे बनाए हैं? तो अभी के डेट में हमारे यूजर्स ऑन एवरेज मंथली स्पेंड कर रहे हैं 3,500 rupees। इस पे अब तक टोटल जो एवरेज कैशबैक इज अराउंड 30%। तो मोटा मोटा ले लेंगे तो 900 rupees पर पर्सन कहीं ना कहीं हमने कमाया है। करेक्ट। आप कैसे पैसे बनाते वो तो आपने बताया। नमिता, तो हमारे 3 रेवेन्यू स्ट्रीम्स है। सबसे पहले तो ब्रांड्स के थ्रू आता है, तो क्योंकि हम लोग ब्रांड्स को एक सेल ड्राइव कर रहे हैं, तो रिगार्डलेस ऑफ वेदर वो मार्केटिंग करता है क्या नहीं, यूजर पोस्ट करता है क्या नहीं, हम लोग ब्रांड्स को सेल पे 10% का अफिलियट फी चार्ज करते हैं। नंबर 2 हमको आता है हमारे MDR फीस है, तो क्योंकि ये वीजा पावर्ड कार्ड है, आपको जैसे क्रेडिट कार्ड ये सब का भी एक इंटरचेंज फी है, MDR फी जो होता है, राइट, वो छोटा होता है, वो 1% ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। एंड तीसरा जो रेवेन्यू मॉडल है, हम लोग यूजर्स को फिजिकल कार्ड के लिए मेंबरशिप ऑफर करते हैं, विच इज 599 वन टाइम कॉस्ट। वो छोड़ दीजिए यार, उसमें वो लंबा, दैट्स नॉट, कांट बी द मॉडल। अभी आपको इनकम हो रहा है मंथली, नेग्लिजिबल है ब्रो, इट्स प्री रेवेन्यू। तो आपके 1,000 rupees का जो लेंस कार्ड चश्मा आपने खरीदा, उस पे यू मेड 110 rupees। यार हमारे लिए भी कुछ छोड़ दो, मतलब 600 rupees उसको दिला दिए, 100 आपने रख लिया, हमारा तो काम नहीं चलेगा ऐसे 300 rupees। We are the only form of marketing जिसके थ्रू आपके जेब में पैसे आ रहे हैं। आप में CEO कौन है टीम में? दिशा। कमाल है यार, आप एक सेकंड, आप तो बोलते ही नहीं हो यार। I because he is answering that. Like let him answer. तो आप क्या करते हैं? मैं CEO हूँ, मैं प्रोडक्ट और ऑपरेशन संभालता हूँ। अच्छा, आप COO हैं और आप इन्फ्लुएंसर। अच्छा, आप CMO हैं। आपने चलते चलते एक बात कही थी, आपने कहा मैनुअली कोई ट्रांजैक्शन अप्रूव करता है, तो आप इसको स्केल कैसे करते? तो आज के डेट में हमारे ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स इज अब ऑब्वियसली इतने ज्यादा नहीं है, बट ओवर टाइम AI के थ्रू आप जो नेम्स है, ब्रांड के नेम्स है, ये सब है,
आप इसको मैप करके, तो ये टेक्नोलॉजी आप कर सकते हो ऑफ कोर्स, लेकिन इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन ये है कि आप फंडामेंटली क्या कर रहे हैं ना, एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है उसके अंदर जाके एडवर्टाइजिंग का पैसा निकाल रहे हैं, राइट? तो उसको थ्रेट होगा कभी ना कभी, हाउ विल यू सॉल्व दैट? That definitely today is a dependency. हम लोग आज Meta और Instagram platform पे dependent हैं. तो ये एक risk है. ये आज अभी पता नहीं आगे जाके इसका solution क्या निकले, but that's a risk. Correct. That's fine. I accept that. Last, एक Groupon company आई थी, बहुत आवाज किया उन्हें globally. उनका एक सबसे बड़ा problem क्या था? वो आप ही के customer, आप ही के पास वापस भेजकर, आप ही से cashback लेकर, commission लेकर business बनाया. Correct. तो ultimately businesses and companies, local restaurants समझ गए कि भाई तुम क्या कर रहे हो यार, मेरा टेक रेट पर कस्टमर कम कर रहे हो, नए कस्टमर नहीं ला रहे हो, राइट? इवेंचुअली आपके मॉडल में कहीं आके वो बात नहीं खटकेगी. इफ यू थिंक अबाउट Lenskart का जो ट्रांजैक्शन हुआ अभी, आई डोंट नो क्या कितने परसेंट लोग आज Lenskart में आके पोस्ट करते हैं अपने लास्ट ट्रांजैक्शन पे. इमेजिन 10 to 20 पीपल पोस्टिंग अबाउट यू एवरी डे, योर ओन कस्टमर ऑर्गेनिकली. पर वही लोग बार बार डालते रहेंगे तो उसकी इन्फ्लुएंसिंग पावर खत्म हो गई ना. हमारे रूल्स भी हैं उसके, लाइक एक ब्रांड पे आप मोर देन ट्वाइस पर मंथ नहीं डाल सकते. यू कैन सेट योर ओन रूल्स. देखिए यहाँ पे काफी सारे लोग काफी सारे क्वेश्चन रेज कर रहे थे, मेरे को दिखते हैं सारे क्वेश्चन है जो ऑन द वे हम आंसर खोजते जाएंगे. कोर कॉन्सेप्ट पे मुझे काफी स्ट्रॉन्ग बिलीव है, तो इस जर्नी में मैं आपके साथ जुटना चाहूंगा. चूंकि आपका जस्ट अभी 2 महीने ही हुआ है, बहुत अर्ली है, तो मुझे वैल्यूएशन काफी हाई साइड लग रही है, तो मैं आपको 50 लाख ऑफर करना चाहूंगा, ऑल इन इक्विटी बट फॉर 5%. दैट मींस अ वैल्यूएशन ऑफ 10 का वैल्यूएशन तो पूछ लो, वो तो काफी पैसा उठा के बैठे हैं भाई, वो तो आपने पूछा ही नहीं. सॉरी अगर इसीलिए तो आप जूनियर हो. ये ज्यादा उत्सुक हो गए. प्रीवियस राउंड बता दो यार फटाफट कितने की. तो हम लोगों ने पहले राउंड में 2.75 करोड़ रेज किया था इन जनवरी 2022 एट 18 करोड़ वैल्यूएशन. एंड अभी रिसेंटली 2 मंथ्स बैक हम लोगों ने और 2.5 करोड़ रेज किए हैं ऑन अ कन्वर्टेबल नोट, जिसका फ्लोर है 55 करोड़ और कैप है 100 करोड़. कितने पैसे हैं बैंक में? 2.5 करोड़ अभी भी है बैंक में. बर्न कितना मंथली? अराउंड 12 लाख. आई विल टेल यू समथिंग, मुझे आपका बिजनेस मॉडल बहुत पसंद आया, आई थिंक इट्स गोना ग्रो. तो अगर अजहर ओके है मैं इनके साथ जुड़ना चाहूंगी. ऑफर आपका सेम है? 50 लाख फॉर 5% इररिस्पेक्टिव. देखो यार इसके अंदर है ना रिस्क एंगल्स फ्रॉम सोशल नेटवर्क साइड, मीटर साइड, बहुत सारे, पर टीम अच्छी लग रही है, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, तो मैं तुम्हारे को ऑफर देता हूँ. I'll give you 11 lakhs for 0.2% equity at 55 crore valuation and rest 39 lakh in debt which will be spread over 3 years at 12%. भाई अनप्रॉफिटेबल कंपनी को डेट दे रहे हो आप, मतलब क्या उधार क्या चल रहा है? अनुपम मेरा ऑफर डेट के साथ है, आप बिना डेट के दे दीजिए. आपका वैल्यूएशन ऑनर कर दिया मैंने. तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको डेट चाहिए, यूथ चाहिए, या बहुत सारे सवालों पूछने वाला चाहिए, या विजडम चाहिए. और यार एक और बात है, आई एम वाइल्ड टू. सो हियर्स माय ऑफर गाइस, आई डोंट थिंक यू शुड टेक डेट. I don't think you should give 5% of your company. मैं एक fair offer करूँगा, 50 lakhs for 3%. That's my offer. So yeah, I think interesting space है. I think there's a lot of regulation risk. मुझे लगता है pivoting तो multiple times होगा. मैं आपसे बहुत impressed हूँ. Sorry, I forgot your name. Yash. मैं आपसे बहुत impressed. That's how impressed he is. Yeah. Doesn't matter. मैं आपसे बहुत impressed हूँ and I think the team combination is good. मैं आपको ऑफर देता हूँ स्ट्रेट इक्विटी ऑफर 50 lakh 2.5%. चलो मैं 18 करोड़ कर देता हूँ क्योंकि आपका लास्ट वैल्यूएशन था ना, दैट इज 2.75%. हम लोग आर रिवाइजिंग आवर ऑफर. फिफ्टी लैक्स फॉर 2.5%. मैं एंड नमिता मैम आएंगे. And आपको पता है कि आपको सबसे ज्यादा हेल्प खाली टेक में चाहिए मेरे हिसाब से. नहीं, टेक क्रैक कर लिया उसने. अच्छा डिसीजन लीजिए. हमें जो एकदम हमारा जो ड्रीम होगा
कि आप सब हमारे कैप टेबल में हो जाए. तो आर काउंटर इज यू नो वी कैन ऑल कम ऑन एट द सेम वैल्यूएशन दैट वी हैव 50 करोड़ के वैल्यूएशन. मैं अकेला जाना चाहता हूँ इस डील में. आपको डेट नीचे अभी बोल रहा हूँ. करेक्ट. चल 50 लाख 1% आपने जो मांगा वो दे दी. पर मैं सिंगल आऊंगा. अच्छा अच्छी बात ये हो गई कि वो 10 लाख रुपए दे के चिंदीगिरी करके वो 50 लाख इक्विटी तो हो गई. वो तो हमने आपके लिए करवा दिया. आपने नहीं करवाया, वो फाउंडर्स का मन था इसलिए दिया हमने. ठीक है सुनो यार, मैं तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं हूँ. तो आपकी जो वैल्यूएशन थी वो रिस्पेक्ट करते हुए 50 लाख रुपए देता हूँ फॉर 1%. बट मेरी टोटल ओनरशिप होगी 1.5%. तो 0.5% आप कैसे करते हो, एडवाइजरी करते हो, क्या करते हो, वो आप फिगर आउट कर लो. We have a third offer for you. 75 lakh for 1.5%. Me, Namita and Azhar will come. सबने वैल्यूएशन मैच कर दिए एक्सेप्ट अनुपम, who wants 0.5%. चलो, I'll give you 75 lakhs for 1.5%. One shark only you have to deal with. Guys, all offers are now same valuation, 50 crores. Yeah, me out now. 75 lakhs for 1.5%. 75 lakh these three for 1.5%. 50 lakh for 1%. Valuation same hai. Right. Value udhar jata hai. Decide. Yeah. No chance. No chance. Five, 4, 3, 2, 1. Anupam, deal paki. अनुपम बहुत रेयरली जीतते हैं. थैंक यू सो मच. ऑल राइट गाइस, ग्रेट डील गाइस, ऑल द बेस्ट. गुड डील. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू. I'm Mahek. And I'm Mohit. हम हैं appliance.ai से और हम आए हैं बैंगलोर से. हमने लोगों से पूछा क्या आपके घर का खाना है बोरिंग. 83% लोगों ने बोला हाँ. और क्यों ना होगा, वो इंटरनेट पे देख रहे हैं नई नई चीजें. उनको बनाना है पास्ता, चाइनीज और मोमोज. बनाना आता है सिर्फ मैगी. ये है हमारा गैप इन मार्केट और इसको फुल करने के लिए हमने बनाया अप्लायंस, आपका पर्सनल कुकिंग असिस्टेंट. ये मिक्सी नहीं है, स्मार्ट जार है, क्योंकि सारी कुकिंग भी इसके अंदर ही होती है. इसमें लगे हैं हीटिंग एलिमेंट्स और सेंसर्स. जो गैस ज्यादा कम करने की प्रक्रिया है वो अप्लायंस अपने आप से कर लेता है. पर इसे कैसे पता चलता है कब गैस धीमी करनी है और कब तेज. ऐसा समझिए अप्लायंस में बहुत सारे शेफ्स की आत्मा आ गई है. कश्मीरी, तमिल, चाइनीज, इटालियन सब स्किल सेट्स में ट्रेंड है अप्लायंस. और ये सारे आपको अवेलेबल होते हैं एक प्रेस ऑफ अ बटन पर. यही हमारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है. अच्छा मोहित, पर इसने अगर मेरे को बताया कि पनीर डाल दो और मेरे पास पनीर नहीं रहा तो मैं अटक गया ना. इसके लिए अप्लायंस में है एक AI चैटबॉट. आप उससे किसी भी इंडियन लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं और वो तुरंत आपको जवाब दे देगा और आपकी मदद कर देगा. तो अभी इसमें मैं चाइनीज और इटालियन भी बना सकता हूँ. 500+ रेसिपीज बना सकते हैं, चाहे चाइनीज चिकन से लेकर पास्ता पनीर पुलाव तक. और शख्स हम हैं डिजाइंड फॉर इंडिया, डिजाइंड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, मेड इन इंडिया. तो इसके लिए ही हमारी आपसे आज आस्क है, 1 crore for 1% equity. Appliance, अब जो मन में आया बनाया. क्या बात है, क्या बात. Nice tagline, जो मन में आया बनाया. Very good pitch, yeah, very good pitch. हमारे प्रोडक्ट के साथ मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूंगा. हम थोड़ा कुछ कुक करेंगे. What are we making? हम बना रहे हैं कढ़ाई पनीर. Ah, nice.
ये अप्लायंस है, सारी कुकिंग इस स्मार्ट जार में होती है। स्मार्ट जार में लगे हैं ओमनी ब्लेड्स। आप अगर इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट डाल देंगे तो कट हो जाएगा। नीचे हीटिंग एलिमेंट है जिसके साथ में वो कुक भी हो जाएगा। आज हम बनाएंगे दो के लिए। क्यों भाई, कौन तीन को भूखा रखो। सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर इस साइड पर आपको दिखेगा एक वेइंग स्केल विद अ मैग्नेटिक प्लेट। आप यहाँ पे वे कर सकते हैं और इसको उठा के कुकिंग जार के अंदर आप डाल सकते हैं। चलिए मैं पहले स्टेप पर जाता हूँ जहाँ वो दिखाता है पनीर, कश्मीरी मिर्च, कोरिएंडर पाउडर और सॉल्ट। मैं सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स डालूंगा मिक्स करने के लिए। पर आपने मेजर करके रखा हुआ है? ये हमने प्री मेजर्ड रखा है। जैसे ये पनीर मान लीजिए किसी को कट करना नहीं आता या समझना चाहते हैं किस साइज पे काटना है, यहाँ पर वो एक वीडियो प्ले हो गया है। गॉट इट, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं इनको डाल दूंगा और मैं इनको मिक्स कर दूंगा। मसाला तो मस्त है, सब मसाले का खेल है दोस्त। चलिए मैं अगले स्टेप पर आ जाता हूँ और यहाँ पर हम तड़का लगाना स्टार्ट करेंगे। चलिए मैंने इसको लगा दिया। जैसे ही मैंने इसको लगाया, आप सेफ्टी फीचर यहाँ पे किक इन हो गया, तो ये अब बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, मैं आगे अगले स्टेप पर आ जाता हूँ। यहाँ वो बोलता है सॉर्टिंग स्पाइसेस और इसको मैंने प्रेस कर दिया है स्टार्ट बटन। ये क्राउन है, वो आपको बता रहा है कि आप क्राउन को निकाल दीजिए। कढ़ाई का जैसे आप ढक्कन हटाते हैं थोड़ा स्टीम निकालने के लिए, ये वो है। तो अभी ब्लेड बहुत धीरे से मूव कर रहा है, अभी वो एक स्टरर का काम कर रहा है। सो धीरे धीरे यहाँ स्क्रीन पे आपको एक टेम्परेचर दिखेगा, वो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अप्लायंस समझ रहा है कि अंदर क्या चीज है और वो क्या क्यूजीन बनाने जा रहा है। अच्छी खुश हुआ। कितना टाइम कितना लगता है इसको बनने? ऑलमोस्ट सिमिलर लगता है, पर आपका किचन का टाइम एकदम कम हो जाता है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में जैसे हमारे पास आ गया गार्लिक, अनियन, ग्रीन चिली। ये चॉपिंग भी आप ही करवा देते इसमें अभी? यही तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। आप इसको पूरा भी अंदर डाल सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है ये करने की। अच्छा, आपने इसमें AI शब्द डाल दिया जो कि बहुत बड़ा बज़वर्ड है दीस डेज। हाँ जी। अभी मेरा अंडरस्टैंडिंग आपके पिच, व्हाटएवर यू सेड राइट नाउ, इज आपने स्टोर करके चीजें रखी है कि रेसिपीज है क्या, टेम्परेचर, पर AI में यूजुअली एक जनरेटिव या प्रिडिक्टिव एलिमेंट होता है, तो इसमें AI क्या हुआ? ये जो स्टेप हो रहा है इसमें एक्चुअली देयर इज अ ग्लिम्स ऑफ AI, राइट? हमने अभी शेल अनियंस की है। शेल अनियंस इज अ हार्ड थिंग टू डू इन अ मिक्सिंग। ये किस लिए कर पाता है? क्योंकि अप्लायंस के पास है इंफॉर्मेशन, जैसे कि वाइब्रेशंस जो इसमें है, आप अगर मिक्सी को पकड़ के रखे तो आपको पता चलता है कितना कटा है, तो वाइब्रेशन से फीडबैक लेता है, वो ब्लेड की स्पीड से फीडबैक लेता है। अभी आपने इसमें अगर तड़का लगाया, हमको पता चला कि आपका तड़का इस टाइप का है। हमारे पास 700 और यूजर्स है, वो भी जब तड़का लगाते हैं, ये सब का टेम्परेचर डेटा, मोटर स्पीड डेटा, मोटर करंट डेटा, सारा इंटरनेट पर स्ट्रीम होता है। भाई तड़के के इतने क्या मतलब, उसमें क्या साइंस है? ये मेरी मॉम का डायरेक्ट कोट है। The difference between a great tadka and an average tadka is when you go from high flame to low flame. I have not understood कि इसमें AI क्या है? आई थिंक AI वाले क्वेश्चन को अगर हम लोग बहुत सिंपलिस्टिक एक लाइन में क्वेश्चन पूछें, जैसे हम अभी कढ़ाई पनीर बना रहे हैं, इनका खाने का टेस्ट थोड़ा मेरे से डिफरेंट होगा, इनको नमक तेज खाना है, मुझे मिर्च थोड़ी तेज खानी है, क्या वो हम पांचों का अलग अलग कढ़ाई पनीर बनाएगा आपका मशीन, या सबका एक ही कढ़ाई पनीर बनाएगा? खाली हाँ या ना में बताइए। कढ़ाई पनीर एक ही होगा, आप सबके किचन में स्टार्टिंग इंग्रेडिएंट अलग होंगे। द आंसर इज नो। आउटपुट इज नो, राइट? आउटपुट सेम होगा। सेम है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग से AI का एक्चुअल यूज होता है जब हमारे आउटपुट्स कस्टमाइज होते हैं, क्योंकि इनपुट्स बहुत लिमिटेड होंगे और बहुत जल्दी हार्ड कोडेड हो सकते हैं आपके सिस्टम में। एक्चुअल AI यूज होगा जब वो कस्टमर के अकॉर्डिंग कस्टमाइज होता चला जाएगा, हर किसी के टेस्ट के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज चला जाएगा। आप एक कुकिंग डिवाइस की आपने आविष्कार की, आप उस पर फोकस रहे। आई एग्री। जैसे ही AI डालते हो ना, आप सॉफ्टवेयर में घुस जाते हो। सॉफ्टवेयर इज सपोर्टिंग योर डिवाइस, आपका बेसिस नहीं है डिवाइस। मैं बिकॉज आई मेट हिम, मैं आपसे मिला हूँ, ये डिवाइस आपने बनाया कि 1.5 साल हो गए शायद? बहुत ही अर्ली प्रोटोटाइप था। अच्छा, वो टाइम आपके कुछ 100-150 घर में डिवाइसेस थे? वो टाइम हमने 100-150 घर में बीटा टेस्टिंग की। बीटा टेस्टिंग, करेक्ट। बीटा टेस्टिंग एक यूजर टेस्टिंग मेथड है जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट को रिलीज करने से पहले एक छोटे सेट ऑफ यूजर्स को वो प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए देते हैं, सो दैट कि हम उसके जितने भी इश्यूज हैं उनको पता कर सकें और लॉन्च के पहले, फुल लॉन्च के पहले उन सबको फिक्स कर सकें। और तब से अब तक 1.5 साल में आप 700 घर में आ गए,
नाम बदल दिया, AI लगा दिया, इतना ही बदला है कि फंडिंग वंडिंग कुछ उठा ली वो टाइम, ये सब भी किया। उसके बाद हमने फंडिंग ली है और हमने इसका प्री प्रोडक्शन बैच को सेल्स में डाल दिया, तो अभी हमारे पास 700 पेइंग कस्टमर्स है। बन गया आपका पनीर रेडी है? वहां पर अभी टोमेटो प्यूरी बनने जा रही है। हैं? यार हमारे घर में तो इतनी देर में बन जाता है, नमिता हमारे घर आती है इतनी देर ही रुकती है, तो अभी तक नहीं खिलाते तो चली जाएगी। बात सही है। आपके बैकग्राउंड क्या है, एक बार थोड़ा तो बताइए, आप इस जगह पहुंचे कैसे? मैं IIT बॉम्बे का ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम 2011। मोहित और मैं, हम दोनों सेम बैच से हैं, हम एक दूसरे को 17 साल से डालते हैं और हम दोनों हार्डवेयर कर रहे थे इंडिया में। ये कहाँ से आया कुकिंग मशीन बनाने का? ये जब मैं पुणे में मूव किया था 2013 में, तो तब मेरे मन में आया था कि मैं कुक करना सीखूंगा पर मैं किसी से पूछूंगा नहीं। और मैंने पहले महीने रोज काला खाना खाया क्योंकि रोज जल जाता था। वो 6 महीने मैंने काम किया और कुकिंग मशीन उस टाइम पर बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद जितना मेरा छोटा सा ऑपरेशन था, जो मेरी IP थी, चायोस नाम की चाय कैफे कंपनी ने मुझे एक्वी हायर कर लिया। क्या चीज एक्वी हायर, क्या बनाया था आपने? वो एक कुकिंग मशीन थी जिसको मैंने क्लेम किया कि चाय बना लेगी। तो दैट वाज रूडिमेंटरी वर्जन ऑफ दिस। इससे बहुत बहुत ही पीछे थे हम। गॉट इट। ये मशीन जो आप बनाते हैं, मशीन कितने की बेचते हैं आप? एक 19999 यानी 20,000। वाओ, महंगा है। ऑफ कोर्स। प्राइस पॉइंट में आप इसका थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ मेकिंग क्या है, थोड़ा ब्रेकअप भी बताएंगे? तो हम ये 20,000 में बेच रहे हैं, आज हमारा इसका मेकिंग कॉस्ट है 29,000 रुपीज। हम, आप 9,000 का लॉस कर रहे हो? यस, ये हमारा प्री प्रोडक्शन बैच है। जस्ट टू क्लैरिफाई, बाद में जब लार्ज स्केल पे करेंगे तो ये कॉस्ट कितना डाउन जाएगा? 15,000 में जाएगा और उसके बाद 9,500 तक जा सकता है। कितने यूनिट्स पे प्राइस पॉइंट अचीव करोगे आप? वी आर 4 months अवे फ्रॉम द पॉइंट जहाँ हमारा प्राइस 15,000 के पास हो जाएगा। आपका कॉस्ट 15,000। यस सर, कॉस्ट। बिजनेस की बातें खत्म होने को आई हैं, लेकिन पनीर अभी तक नहीं पका। मोहित और महक, मैंने पनीर बनाया है, 30 मिनट से आपके पनीर की मैं राह देख रही हूँ, तो क्या मतलब आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं मेरे से 20,000 चार्ज करके? बाहर के देशों में इसका एक बड़ा बिजनेस बना हुआ, तो कौन कौन से है वो थोड़ा बताएंगे आप? सबसे बड़ा एक प्रोडक्ट है थर्मो मिक्स करके, ये प्रोडक्ट बिकता है इक्विवेलेंट ऑफ 1.3 लाख और वो 3 बिलियन यूरो का रेवेन्यू करते हैं एवरी मंथ ऑन मंथ, खाली ये प्रोडक्ट लाइन। एवरी ईयर। इंडिया का मार्केट क्या है अभी? मैं पहले कंपेयर करूंगा इंस्टापॉट से जो इंडिया में है, न्यूट्रीपॉट वंडर शेफ का, उसका प्राइस यहाँ पर अगेन 9,500 रुपीज है। उसके बाद मिल्दी और गिकी करके और दो ब्रांड्स है जो वेरी सिमिलर प्रोडक्ट्स करते हैं, फ्रॉम 9,000 to 12,000। और इनके एक बार मेरे को सेल्स वॉल्यूम भी बता दो। दे वर डूइंग अबाउट 4,000 to 5,000 सेल्स पर मंथ कंबाइन। ब्रो मार्केट साइज ही बता दो ना, इंडिया में ऑटोमेटिक कुकिंग डिवाइसेस का फॉर रेजिडेंसेस मार्केट साइज क्या है? This I don't have the globally कितना है? Globally कितना? $2.5 billion। 3 billion तो आपने कहा थर्मोमिक्स का है, पर आपने कुछ गलत कह गए आप आंकड़े, मुझे लग रहा है। मैंने इसमें थर्मोमिक्स को कंसीडर नहीं किया। That doesn't make sense। आखिरकार पनीर तैयार हो ही गया, लेकिन क्या इन फाउंडर्स की दाल गल पाएगी? Thank you. Not bad. Paneer is very good. Thank you. Paneer अच्छा इसलिए भी लग रहा, आधा घंटा वेट करने का भूख ज़्यादा अच्छी लग रही है। 1 minute, I want to give one feedback. 35 minutes में रुकी हूँ, फिर भी इसमें प्याज मुझे कच्चा कच्चा टेस्ट आ रहा है, और तो ये लंपी प्याज के टुकड़े भी आ रहे हैं इसमें। आज आपने ये फीडबैक दिया, हमारे पास 2 तरीके के फीडबैक सिस्टम अवेलेबल होते हैं। एक हमारे पास रेटिंग सिस्टम हम चलाते हैं रेसिपीज पर, हमारी ओनर्स कम्युनिटी एक है जिस पर ओनर्स अब कुछ अच्छा लगता है तो हमें बताते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता है तो भी बताते हैं। तो नमिता आपका जैसे फीडबैक आया, ये सब हमारे पास इस माध्यम से वापस आता है। There is no AI. The taste I didn't like, I'm sorry. इतने 2.5 years के बाद भी only 700 homes में पहुंचा है, और वहाँ भी इतने बड़े लॉस में चल रहा है, और फिर ऐसे सेल्स के साथ आप 100 crore का वैल्यूएशन मांग रहे हैं। पूरे प्रोडक्ट फाउंडर्स थिंकिंग में मुझे बहुत फ्लॉज लग रहा है, एंड आई वुड नॉट लाइक टू बी पार्ट ऑफ योर जर्नी। सॉरी, आई एम आउट। हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम अ यूट्यूब एंड अ न्यूट्रीपॉट? फॉरगेट न्यूट्रीपॉट,
कोई भी पॉट ले लेता हूँ और एक YouTube लगा देता हूँ। कुकिंग तो मेरे को सीखने की जरूरत ही नहीं है। मुझे लग रहा है आज की मार्केट है फॉर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स। एक कंपनी थी डोसामैटिक, उन्होंने भी बहुत ट्राई किया टू पेनिट्रेट इंडियन हाउस होल्ड्स टू मेक डोसा, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उन्होंने अल्टीमेटली सक्सेस पाया इन कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। मार्केट है इसका, लेकिन 10 साल लगेंगे ये मार्केट बनाने के लिए। इंडिया इस वक्त मेरे हिसाब से इज नॉट रेडी फॉर दिस एंड इट्स नॉट एज इफेक्टिव जितना कि आप बता रहे हैं। इस वजह से मैं आउट हूँ। गुड लक गाइस। इंडिया में अभी इसका मार्केट मुझे भी बहुत लिमिटेड दिख रहा है। अगर ये कम्प्लीटली ऑटोमेटेड होता, मुझे कुछ नहीं दिमाग लगाना पड़ता, तो शायद फिर भी थोड़ा इंटरेस्ट रहता। बट यहाँ मुझे दिख रहा है ये जितनी वैल्यू ऐड कर रहा है वो कंपैरेटिवली मुझे, चूंकि ह्यूमन कैपिटल काफ़ी सस्ता है तो अल्टरनेट वेज है मेरे पास, तो मुझे अभी इसका नीड थोड़ा कम दिख रहा है, तो जिसके कारण से मैं आउट रहूँगा। मेरे को मार्केट का जो कितना बड़ा हो सकता है वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अपन 100 यूनिट बेच रहे हैं, मार्केट 5000 बेच रहा है। सेकेंड है वैल्यूएशन प्रॉब्लम। तुम लोग का जो अभी 9000 पर यूनिट लॉस कर रहे हो, ले सकते हो कि 5000 पर यूनिट प्रॉफिट भी कर रहे होते हैं तो भी साल का 60 लाख का प्रॉफिट बना हुआ था। स्केल समझ में आ नहीं रही मेरे को, आप लाओगे कैसे? तो इन वजह से आज मैं बाहर हूँ। यार एक बात बताओ, अभी आपने इन्वेस्टमेंट कितना रेज किया है? 12 करोड़। कब रेज किया था? 1 साल पहले। क्या वैल्यूएशन पे रेज किया था? CCPS तो कैप था, मेजॉरिटी ऑफ द मनी वाज रेज्ड एट 49 का कैप, सम अमाउंट ऑफ इट वाज रेज्ड एट 78 का कैप। अभी कितने पैसे हैं बैंक में? अभी बैंक में 5 करोड़। आपका बर्न है ना पर मंथ? हमारा बर्न लगभग 30 लाख के आसपास। अरे बाप। हमारा जो लास्ट 3 मंथ्स का ये स्टोरी है, हमने हर महीने 10% प्राइस ऊपर किया और हमारी मार्केटिंग कॉस्ट हमने 0 पे कट किए और हम ऑर्गेनिक ग्रोथ किए जा रहे हैं। और आपके रोल्स क्या हैं आपस में? आई एम CEO, ही CTO। यार देखो, मुझे क्या लग रहा है ना कि आपका यू आर एबल टू आर्टिकुलेट द प्रॉब्लम वेरी वेल। नमिता ने भी आपसे सवाल पूछा था टेस्ट के बारे में, बट आपने बहुत सही आंसर दिया कि हम फीडबैक लेके इसको इम्प्रूव करेंगे रादर देन ट्राइंग टू जस्टिफाई अच्छा है या नहीं। एंड डिसीजन मेकिंग भी आपका सही लग रहा है। फ्रॉम अ फाउंडर चेकलिस्ट पर्सपेक्टिव आप सारे पॉइंट्स चेक कर रहे हैं। ऑन दीज फंडामेंटल्स मैं आप पे पंट लेना चाहता हूँ। I will give you 10 lakh rupees for 0.5%. Baki 90 lakh is debt. So he's valuing okay? you at 20 And crores. That 90 lakh debt, I'll give you at 14%. And tenure for the debt will be 2 years. So Piyush, really appreciate the offer. We would like to say, jo humne last 76K... Yeah, wo nahi kar sakta main. To wohi offer hai, 10 lakh, 0.5%, 90 lakh debt at 14%. I think the valuation we set is the valuation we would want to stay at. Nahin. So I'm out. Chaliye guys, thanks All for coming. Best, guys. Thank you. Thank you. Chaliye. Thank you. दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज द शार्क में, जहां आप हमें बहुत परेशान करते हैं। इतने अच्छे सवाल आप लोग पूछते हैं, हम कहां फिल्टर करें, कितना फिल्टर करें और कितने सवाल पूछें। पर खैर, आज द शार्क में हमारे साथ जुड़ रहे हैं CEO एंड को फाउंडर ऑफ लेंसकार्ट मिस्टर पीयूष बंसल। सर वेलकम। थैंक्स राहुल। सर नवनीत कृष्णन कोचिन से आज का सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पेनिट्रेशन के बाद कौन सी जॉब्स इररिलेवेंट हो जाएंगी आपके ख्याल में? राहुल मेरा इसमें मानना है कि कोई जॉब इररिलेवेंट नहीं होगी। एक आदमी अगर कोई चीज दिन में 10 करता है, वो 10 की जगह 30-40 करने लग जाएगा, बिकॉज काफी चीजें, जैसे आप चैटबॉट ही देख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर सर्विस में, तो ऐसा नहीं है कि जॉब इररिलेवेंट हो गई है कस्टमर सर्विस एजेंट्स की, पर कुछ पार्ट जो उसमें से रेपिटेटिव था वो AI ने ले लिया है। दूसरा, जो क्वालिटी ऑफ वर्क कोई कर रहा है उसका लेवल बढ़ जाएगा। जी जी, तो आई थिंक ओवरऑल दैट इज गुड, राइट? तो मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई जॉब वॉब जाने वाली है, और जब लोग बेहतर काम करेंगे, बेटर एफिशिएंसी से करेंगे, तो उनकी पे भी बढ़ेगी, तो इकोनॉमी भी बढ़ेगी, तो आई थिंक इट इज ऑल फॉर इन द राइट डायरेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस पीयूष सर। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। और बाकी लोग आप भी ऐसे अपने बिजनेस रिलेटेड सवाल, जो भी आपके डाउट्स हैं, आप हमारे तरफ भेजिए। कीप सेंडिंग अस द क्वेश्चंस, वी विल आस्क ऑन योर बिहाफ फ्रॉम द शार्क्स। टिल देन स्टे ट्यून्ड, आपसे मिलेंगे एक अगले शार्क और एक अगले सवाल के साथ। Oh,